जा रहे हैं सुपर क्यूट एंड इजी डस्टबिन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये सुपर क्यूट एंड इजी डस्टबिन बनाना सीखना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके भी मत जाइएगा। तो लेट्स मेक इट। तो आज मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि इतनी सारी वीडियोस में से कौन सी वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो स्पिन द व्हील से ही गेस कर लेते हैं। सो लेट्स स्पिन द व्हील एंड सी व्हाट विल कम। डस्टबिन, सो लेट्स मेक द डस्टबिन। सो दीज फ्यू आइटम्स आर नीडेड टू मेक दिस सुपर क्यूट डस्टबिन। तो सबसे पहले हमें कोई भी ऐसे ही वेस्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर डेरी मिल्क का बॉक्स ले रही हूँ। आप कोई भी ऐसी कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं। तो देखें ये ऐसा है। तो देखें हम इसके जो स्मॉल फ्लैप्स होंगे उसे कट कर देंगे, बिग फ्लैप्स को हम नहीं कट करेंगे। तो हम स्मॉल फ्लैप्स को कट करेंगे, ये वाले फ्लैप्स को हम कट करेंगे और ये वाले फ्लैप्स को हम नहीं कट करेंगे। सो लेट्स कट दैट स्मॉल फ्लैप्स। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो बनाए सबसे पहले आपको मिले। देखिए हमारे फ्लैप्स कट हो गए, तो ये अब ऐसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे सुपर क्यूट बनाने के लिए कोई भी कलर शीट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर नियॉन कलर की कलर शीट ली क्योंकि मुझे अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने ये ले लिया। आप कोई भी अपने पसंद के कलर ले लीजिए, आप जो आपके डक से सूट करता है वो ले लीजिए। तो देखें अब हम इस पर ग्लू लगा रहे हैं। तो अब हम इसे ग्लू लगा के इस पर स्टिक कर देंगे सिंपली। देखें हमारा स्टिक हो गया है। तो चलिए अब हम अपने अपर पोर्शन को भी स्टिक कर लेते हैं ग्लू से, कवर कर लेते हैं वेपर से। तो देखिए तो ये देखिए हमारा अब हर जगह कवर हो चुका है। हमारे फ्लैप्स को छोड़ के फ्लैप्स को हम एंड में कवर करेंगे, अंदर से और बाहर से हम अभी कवर कर लेंगे। सो लेट्स कवर दैट फ्लैप्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये देखिए हमारे बाहर से फ्लैप्स भी कवर हो गए हैं। तो देखिए हमारा डेयरी मिल्क बॉक्स अब कवर हो गया अच्छे से। सो लेट्स मेक इट लुक सुपर क्यूट। तो इसको सुपर क्यूट बनाने के लिए हम हमेशा की तरह इसमें ड्रॉ सो क्यूट आई बनाएंगे क्योंकि मैं ड्रॉ सो क्यूट आई की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो लेट्स मेक अ ड्रॉ सो क्यूट आईज। तो ये देखिए हमारा पुप्पू कभी इसको देख रहा था कि क्या हो रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे पुप्पू का टुक टुक कैसे लगते हैं। चलिए हम अपनी ड्रॉ सो क्यूट बनाते हैं। ड्रॉ सो क्यूट आईज बनाने के लिए हमें कोई भी प्लेन व्हाइट पेपर चाहिए होगा, फिर हम उसे फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसमें सर्कल बनाएंगे। तो आप कोई भी कैप ले लीजिए, जिस साइज की आपको आइस चाहिए आप उसी साइज का कैप ले लीजिए और फिर आप उसको इसको मेजर करके एक सर्कल बना लीजिए। तो ये देखिए मेरा सर्कल बन रहा है। देखिए मेरा सर्कल रेडी हो गया है। तो अब हम मैंने थोड़ा लार्ज सर्कल बनाया है क्योंकि मुझे लार्ज आइस चाहिए थी, क्योंकि हमारा उससे हमारा डस्टबिन और अट्रैक्टिव और फनी लगेगा। सो अब हम इसे अपनी ड्रॉ सो क्यूट आईज बना रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं स्केच पेन आउटलाइन करके। तो ये देखिए मैंने आउटलाइन कर लिया और इसे मैंने कट भी कर लिया है। तो अब हम इसे कलर कर देंगे। तो आपको पहले सिंपली इसे ब्लैक से कलर करना है, उसके बाद आपको इसको नीचे आप जो भी कलर से करना चाहते हैं आपको करना है। आप चलिए हम इसे अपने डस्टबिन के बेस पर स्टिक कर देते हैं। तो हम इसके बस मिडिल पे ग्लू लगाएंगे, साइड्स पे ग्लू नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप साइड्स पे ग्लू लगा देंगे तो थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगेगा, और अगर आप साइड्स पे ग्लू नहीं लगवाएंगे थोड़ा सा हाईलाइट होगा वो। देखिए तो ये मैंने स्टिक कर दी है अपनी आईज। तो
तो चलिए अब हम इसको क्यूट और बनाने के लिए इसकी स्माइल बनाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जाके लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए अब हम इसकी स्माइल बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारी स्माइल रेडी हो गई है। थोड़ी सी गलत बन गई थी सो मैंने इसे करेक्ट कर लिया। अब हम इस पे मार्कर कर देते हैं। लेट्स मार्कर इट। तो ये देखिए हमारी स्माइल रेडी हो गई है। ये अभी से बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है लेकिन अभी भी हम इसको मोर क्यूट बनाएंगे। तो चलिए अब हम इस पे पिंक और ऑरेंज को मिक्स करके इसकी चीक्स बनाएंगे। ये देखिए क्यूट लगने लगा ये बहुत। तो ये मैं बहुत ज्यादा इजी डस्टबिन बना रही हूँ। देखिए हमारा फ्रंट तो लगभग रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपने जो फ्लैप्स है उसको भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, देखें क्या लिखती हूँ मैं। तो मैं लिख रही हूँ आई एम हंग्री। क्योंकि डस्टबिन हंग्री होता है तभी उसके अंदर वेस्ट जाता है। और देखिए इस फ्लैप पे क्या लिखती हूँ, फीड मी। तो चलिए अब हम अपने दूसरे साइड पे भी कुछ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक क्लीन, शायद क्लीन का ये वो होता है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए Use me। और चले हम अपने दूसरे साइड को भी कुछ डेकोरेट कर देते हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं Keep your desk clean, keep your desk clean। देखिए हमारे सारे साइड्स पे हम लिख दिया। अब हमारा एक साइड लेफ्ट है तो उस पर हम देखें क्या लिखते हैं। हेलो। I am a cute dust bin. I am a cute dustbin. तो ये देखिए हमने अपने तो अब हम इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पे अपने क्रेयॉन कलर्स से इस पे शेड करेंगे। तब आप इस पे शेड कर लीजिए। तो ये देखिए मेरे सारे उस पे शेड हो गया। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट, आई एम हंग्री फीड मी, कीप योर डेस्क क्लीन, यूज मी,
Hello, I'm a cute dustbin. तो चलिए अब हम इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक डस्टबिन की क्यूट डस्टबिन की ड्राइंग बना रही हूँ। आप भी ऐसे इस पर क्यूट क्यूट ड्राइंग्स बना के इसे और अट्रैक्टिव और क्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना तो अब ये ऐसे ही रेडी हो गया है, तो लेकिन हम इसे और क्यूट बनाएंगे। सो लेट्स मेक इट लुक मोर क्यूट। तो ये देखिए हमने डस्टबिन बना दिए हैं। यहाँ ऊपर मैंने एक स्पेड बना दिया है, गार्डन स्पेड। और देखिए ये अब ये और ज्यादा अट्रैक्टिव और क्यूट लगने लगा है। और ये देखिए मैंने कीप योर डेस्क क्लीन में दो क्यूट सी ब्रूम बना दी हैं। और ये हमारा अभी पार्ट ऐसे ही, इसमें मैंने यहाँ पर विक्ट्री का साइन बना दिया है और थ्री और ड्राइंग्स बना दिए हैं क्यूट। तो देखिए आपको कैसा लगा, आप भी ऐसे करके कुछ छोटे क्यूट क्यूट आप कुछ भी बना सकते हैं इस पे। और चलिए अब हम अपने फ्रंट पार्ट को और क्यूट बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसमें यहाँ पर एक बो बनाएंगे, लेट्स मेक द बो। तो बो बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑरेंज कलर की फोम शीट। आप ऑरेंज कलर के पेपर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑरेंज कलर की फोम शीट से बनाएंगे तो आई थिंक इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। तो चलिए अब हम अपनी बो बना लेते हैं। तो वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऐसी स्मॉल सा फोम शीट ले ली है। अब मैं उस पर बो की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद आपको इसको कट कर देना है, तो आपकी बो रेडी हो जाएगी। अब आपको इसके एजेस पे ग्लू लगा के फिर आपको इसको स्टिक कर देना है। तो ये देखिए हमारी बो रेडी हो गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पेपर लगा दिया है, इससे थोड़ा ये और अट्रैक्टिव लग रहा है आई थिंक। अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो आप ऐसे भी बो बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम इसे अपने डस्टबिन पे स्टिक कर देते हैं। तो लेट्स स्टिक इट। हम इसके यहाँ पर मिडल पे से स्टिक करेंगे, तो आप इसके मिडल पे और साइड पे दोनों तरफ ग्लू लगा दीजिए। तो ये देखिए ये हमारा स्टिक हो गया है। और ये देखिए अब हमारे सारे पार्ट्स में आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए अब हम इसके अंदर भी कोई पेपर स्टिक कर देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर व्हाइट पेपर से इसको पूरा कवर कर दिया, सही है, और अब थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तो अब हम इसकी आईब्रोज एंड आई शेडो बनाएंगे, सो लेट्स मेक इट। हमें पता है कि हमारे इस वीडियो में थोड़ा रेशियो का प्रॉब्लम हो गया है, सो प्लीज इग्नोर दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी क्यूट आईब्रोज रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे और क्यूट बनाने के लिए इसके कुछ करते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे डस्टबिन का फ्रंट भी एकदम रेडी हो गया है। इट इज लुकिंग सो क्यूट। ये चलिए हम अपने डस्टबिन को पूरा देख लेते हैं। आपको हमारे डस्टबिन कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो के लिए भी स्पिन कर लेते हैं।
तो हमारी अगली वीडियो की पेंसिल केस, तो इस वीडियो के लिए वेट करिएगा। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, इफ यू हैव डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर टू आवर चैनल। Thank you. Bye bye.